हेलो एवरीवन, कुकजीत और फैमिली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। ठंडी का मौसम चल रहा है, हमारी एड़ियाँ कई बार फट जाती है, ब्लड निकलता है, बहुत दर्द भी होता है। ऐसे में हम सोचते हैं कि क्या दवाई लगाए, कौन सा क्रीम ले, बहुत सारी क्रीम लेके रखते हैं लेकिन कोई फ़र्क महसूस नहीं होता है। तो आज मैं ओनली 5 रुपये में आपको एक ही बार में फ़र्क नज़र आएगा, एकदम मक्खन की तरह मुलायम हो जाएगी आपकी एड़ियाँ। तो ये क्रीम अवश्य आप बना के रखिएगा दोस्तों, बहुत ही यूज़फुल वीडियो है आज की। तो चलो, वीडियो की शुरुआत करने से पहले, न्यू आए हो मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल घंटी को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी, और लाइक में कंजूसी बिल्कुल ना करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो, वीडियो की करते हैं शुरुआत। दोस्तों, यहाँ पर हम 7 से 8 मोमबत्ती ले लेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से कूट के इसका पीसेस निकाल लेना है। देखिए, इस तरीके से हमें इसका पीसेस बना लेना है मोमबत्ती का। बच्चों का बर्थडे होता है, उसमें भी अगर मोमबत्ती निकलती है तो उसका भी आप यूज़ कर सकती हो। कलरफुल मोमबत्ती हो उसका भी आप यूज़ कर सकती हो। कौन सा भी मोमबत्ती हो आप ले सकती हो, छोटा हो, बड़ा हो, कलरफुल हो, जैसा भी मोमबत्ती मिल जाए आप उसका यूज़ कर सकती हो। इस तरीके से बस इसकी जो अंदर की रस्सी होती है उसको हमें हटा लेना है और छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। और जितनी क्रीम बनानी है आपको, ज़्यादा कम, उसके हिसाब से आप मोमबत्ती ले लीजिए। तो बहुत ही आसानी से मोमबत्ती के पीस रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हो दोस्तों, सारी रस्सी हटा ली है हमने। तो ये सारी मोमबत्ती को हमें एक कढ़ाई के अंदर ऐड कर लेना है, जिसके अंदर आप क्रीम बनाना चाहते हो उसके अंदर ऐड कर लीजिए। तो ये 2 चम्मच के करीब मोमबत्ती निकला है, तो जितना हमारा मोमबत्ती है उसका डबल का हमें ऑयल लेना है। तो यहाँ पर हम 2 चम्मच ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल। दो चम्मच कोकोनट ऑयल ऐड किया है और 2 चम्मच ऐड करेंगे सरसों का ऑयल। जितना ऑयल ज़्यादा होगा इतना ही आपका क्रीम सॉफ्ट बने। ऑयल अगर ज़्यादा भी ऐड हो गया तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़्यादा होगा इतनी आपकी क्रीम सॉफ्ट और अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर 4 से 5 चम्मच मैंने ऑयल ऐड किया है कोकोनट और सरसों का। आप दोनों में से कोई भी एक ऑयल भी ऐड कर सकते हो, सरसों का या कोकोनट का। अब हमें ऐड करना है 1 चम्मच एलोवेरा जेल। अच्छे से मिक्स कर लेना है सबको। आपके प्लांट का एलोवेरा जेल है तो उसको भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर लिया है, कढ़ाई को मैंने रख दिया है। देखिए, अब हमें बैटर को चलाते रहना है। जैसे जैसे ऑयल गर्म होगा वैसे वैसे हमारी मोमबत्ती अपने आप मेल्ट होती जाएगी। ये देखिए, अपने आप मेल्ट होती जा रही है हमारी मोमबत्ती, और इसको मेल्ट होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, जल्दी से जल्दी ये क्रीम बन के रेडी होती है। देखिए, इस तरीके से आप इसको चलाते रहिएगा, और इसको किस तरीके से एड़ियों के ऊपर लगाना है वो भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये देखिए, हमारी मोमबत्ती मेल्ट होने लगी है। तो और भी हम थोड़ा सा अच्छे से पका लेंगे ताकि जो भी मोमबत्ती बची होगी वो अपने आप मेल्ट हो जाएगी। स्लो गैस कर लीजिए और इसको अच्छे से पका लीजिए। तो एकदम अच्छे से मेल्ट हो चुकी है हमारी मोमबत्ती। तो अभी हमें एक कोई भी डिब्बा हो, स्टील का या कोई भी एल्यूमिनियम का, उसके अंदर ऐड कर लेना है। गरम गरम प्लास्टिक के डिब्बे में ऐड नहीं करना है दोस्तों। ये देखिए, मैंने एक डिब्बे के अंदर ऐड कर लिया है। अब इसको 1 घंटे के लिए सेट करने के लिए रख देंगे। फ्रिज के बाहर रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है दोस्तों। देखिए, 1 घंटे के ऊपर हो चुका है और हमारी क्रीम बन के रेडी हो चुकी है। तो मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ और एड़ियों के ऊपर लगा के भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमें इसको लगाना है। देखिए, एकदम मक्खन की तरह सॉफ्ट बनी है दोस्तों, क्योंकि हमने इसके अंदर ऑयल ज़्यादा ऐड किया था। आप रात के टाइम में इसको लगाएंगे तो ज़्यादा काम आएगा। और ये देखिए, सॉक्स पहन लीजिएगा, रात के टाइम में लगाने के बाद सॉक्स पहन के सो जाइएगा, आपकी सुबह में एकदम सॉफ्ट, एकदम मक्खन की तरह एड़िया हो जाएगी।
तो ये देखिए इस तरीके से रात के टाइम में मैं मसाज कर रही हूँ। अभी रात का टाइम है तो मैं इसको लगा के सॉक्स पहन लूँगी। सुबह के टाइम में जब आप पैर देखेंगे तो एकदम मक्खन की तरह मुलायम हो जाएंगे, एकदम छोटे बच्चे के पैर जैसे हो जाएंगे। आप ज़रूर इस तरीके की क्रीम बनाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।